एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मेरे को ना आज बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए तब से हमारे सिम्बा की जो हालत है वो बहुत ख़राब है यार। लेकिन अभी ना वो रिकवर करने लगा है, उसको जो मेडिसिन लग रही है ना वो काफ़ी ठीक लग रही है। तो मैं भी आपको सिम्बा को दिखाता हूँ। वो हमने घर से बाहर इसलिए रखा है, यहाँ साहब ने बोला है कि इसको ना बच्चों से, इंसानों से दूर रखना है, इसके अंदर एक वायरस आ गया है। जब मैं इसको लेके आया था ना, 14 दिन का था, छोटू सा, तो ना जो भी आता था ये बोलता था, अरे भाई साहब आपका ये सिम्बा है इतना तगड़ा कैसे हो गया, इतना तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा हो गया था। नज़र लग गई लोगों की, गंदे लोग जो होते हैं ना, बहुत समझ रहे हो ना, मैं बोल नहीं सकता। सही हो जाना यार जल्दी से, आज तो मस्ती नहीं कर रहा है यार, कितना बुरा लग रहा है, इसलिए तो सही हो जा, उदम करते रहना, तू उदम करते रहना। यहाँ पर चाचा जी ने सुबह ही सुबह अपने औजार उठाए और पेड़ों को काटने लगे। भाई इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर साइड वाली दीवार पे बग चला था ना, तो सीमेंट आ गई थी, पेड़ ख़राब होने लगे थे काफ़ी, इसलिए उन्होंने सारे पेड़ों को काट दिया। और अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे ये बहुत ही बेकार लगने लगे थे। इधर में क्या, अभी बग चला था तो ये पूरी सीमेंट क्या इस पेड़ों के अंदर चली गई, इसीलिए ये पूरे पेड़ कट कर दिए। और इसकी सफाई चल रही है, अभी जब इसकी सफाई हो जाएगी तो उसको पानी चला देंगे और काफ़ी टाइम बाद फिर इससे ये ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल हरे भरे हुए हैं। हम अपने ऑफिस में यहाँ पर अभी पूरे इसको साफ करेंगे। मशक्कत के बाद में भाई मैंने अपने इस ऑफिस को पूरा चकाचक कर दिया है। इसके साथ ही साथ में मेरा मन किया कि भाई क्यों ना अपन मीटिंग रूम में भी झाड़ू लगा दे। बताता हूँ इसका क्या, अभी कलर नहीं हुआ है, ये जो देख रहे हो ना ये हट जाएंगी सारी चीज़ें। ये पूरा हॉल है, दिस इज ए मीटिंग रूम, ये है रेस्ट रूम, गेस्ट रूम, जो भी आप बोल सको। ये है अपना प्यारा सा घर। मौसम बहुत ही बढ़िया सा हो रहा है ना। तेज़ बारिश होने की वजह से मैं भी बहुत भीग गया हूँ, तबीयत भी ख़राब लग रही है मुझे भाई आज, पता नहीं मतलब बाहर बिल्कुल अचानक से बारिश होने लगी। और आसिफ वगैरह ये सब लोग ना भाई ईश्वरा मंदिर पे गए हुए हैं, अभी तक ही नहीं आए, बहुत टाइम हो गया भाई, सुबह 8-9 बजे के गए हैं, कितने बज गए, 2:50 हो चुके हैं, अभी तक आए नहीं है, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी आ जाओ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी तो मैं इस मोटे की दुकान पर पहुंचा भाई, यहाँ पर मैंने मस्त भेल बनवाई और इसको खा पी के फिर निकल पड़े भाई अपने घर की ओर। चलते हैं घर पे। तो अभी मैं आया था भाई अपने इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को सही करवाने, ये भी ख़राब हो गया था, ड्राइवर बोल रहा था भाई सभी ख़राब हो गया, चलो ठीक है कैसे ही करवा देंगे। इसका ये म्यूजिक सिस्टम सही हो गया और अपन चल रहे हैं भाई घर पर अपनी इस छोटी सी गाड़ी को लेकर। आज का मौसम बहुत अच्छा है लेकिन रोड बहुत बेकार है, कीचड़ कीचड़। घर पे आने के बाद में मैंने कुछ पेड़ पौधे लगाए भाई, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ना, तभी मेरा हाथ कट गया भाई, उसमें से बहुत सारे ब्लीडिंग होने लगी। ये मेरे साथ आज की फर्स्ट एड थी। सिम्बा के लिए किसी को मेडिसिन पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।